अगर आपको बोर्डिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंस नहीं पता है ना, नहीं तो मैं आपकी तरफ देख शेयर करने वाला अपना ट्रैवल जर्नी। अरे कहना क्या चाहते हो? रिसेंटली मैं चाहिए जगह से ट्रैवल कर रहा था और वहां पे होता क्या, मेरे साइड में यूजुअली एक अडल्ट बैठे हुए थे अंकल और आंटी। तो कुछ देर के बाद एक इंसान फिर से आता है, बोलता है ये तो मेरा सीट है। अब मैं भी देखने लग गया यार ये क्या हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए, मतलब एक ही सीट पे दो दो लोगों को कैसे बुकिंग हो गया। तब बाद में पता चल गया जो पहले से जो बैठ रहे थे अंकल आंटी, उनको टीटी ने टिकट, उनका पहले ही वेटिंग लिस्ट में था और उन्होंने अपना टिकट कंफर्म करवाया, पैसे देके यहीं पे सीट ले लिया उन लोगों ने, ले देके ये मतलब है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब जो दूसरा जो बंदा आता है वो कहता है कि नहीं, गलती से वो ट्रेन मैंने जो बुकिंग किया था वो मैंने उस स्टेशन से कर दिया था, पर हुआ क्या, मैं उस ट्रेन उससे नहीं चढ़ा, स्टेशन से चढ़ा पर मैं अपना नॉर्मली स्टेशन से चढ़ गया। तो यहाँ पे आपको मतलब समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने पॉइंट ए से टिकट, समझ लीजिए ट्रेन है वो पॉइंट ए से चल रही है और वो पॉइंट एच तक चल रही है, ठीक है। बट आपने जो ट्रेन का जो जर्नी बुक किया है आपने ए से लेके एच तक कर दिया है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने ट्रेन को बोर्ड किया है डी पे, यानी कि डी नंबर यानी डी स्टेशन पे, यानी जहाँ से भी आपका ट्रेन खुलने वाला है आपने तो बुकिंग कर लिया है, बट दो तीन स्टेशन छोड़ के आप चढ़ रहे हो। तो टीटी क्या करता है ना, पहले दो स्टेशन तीन स्टेशन तक छोड़ देगा आपको, माफ़ कर देगा कि ठीक है चलो अब आएगा अब आएगा अब आएगा। जब वो देखता है कि पैसेंजर नहीं आ रहा होता है तो उस केस में क्या होता है ना, वो टीटी जो है आपका टिकट किसी और को बेच देता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा ना, अगर आपका बोर्डिंग स्टेशन एग्जैक्टली वो नहीं होगा जहाँ से आप चढ़ने वाले हो, तो आपका ट्रेन का टिकट बिक गया और आप हो गए बिना टिकट के ट्रैवल करने वाले आदमी। यही नहीं, अभी और सुनिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या होता है। तो आपको जैसे ही पता चलता है अभी के टाइम पे यार बोर्डिंग स्टेशन है, बोर्डिंग पॉइंट आप चेंज करा सकते हो विद इन 12 या 48 आवर्स के पहले ही, ये याद रखना आपको। तो अगर आपने काउंटर टिकट लिया है तो काउंटर टिकट का भी ऑनलाइन ऑप्शन है, एंड ऑनलाइन ऑप्शन का तो ऑनलाइन ऑप्शन रहता ही है। तो काउंटर टिकट का ये वेबसाइट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे अपना PNN नंबर और अपना काउंटर एंटर कर लीजिए, यहाँ से बोर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए और आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका बोर्डिंग स्टेशन। अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है तो सिंपल सी बात है, माई ट्रांजेक्शन में जाके अपना बुकिंग हिस्ट्री निकाल लीजिए, वहीं पे आपको चेंज बोर्डिंग स्टेशन का देखने के लिए मिल जाता है, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत ही चंद सेकंड्स में आपने चेंज कर लिया, बट चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक दो एक स्टेशन तक तो ठीक है, बट दो से ज़्यादा है तो मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। इनफैक्ट एक भी रहता है तो कभी कभी चीज़ें ये होती है ना, लोगों को टिकट बेचते हुए मैंने देखा है। देखिए एट द लास्ट यही मतलब है कि अगर आप अपने सीट पे अपने डिजायर्ड बोर्डिंग पॉइंट से नहीं चढ़े हो तो जाहिर सी बात है दो तीन के स्टेशन के बाद तो बिक ही जाएगा। तो ये याद रखना है आपको कि अपना जो बोर्डिंग पॉइंट सेलेक्ट किया है और उसी बोर्डिंग पॉइंट से चढ़िएगा। पर अगर आपने जैसे पूरा टिकट यानी पूरा फुल डेस्टिनेशन बुक किया है, मतलब पॉइंट ए से लेके एच तक, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो पैसे तो आप एक्स्ट्रा ही दे रहे होंगे ना, तो बेटर है कि आप अपने पॉइंट डी से एच तक बुक कर लीजिए, यानी जिधर से आपको चढ़ना है वहाँ तक के एंड तक, क्योंकि इससे आपका ना 10-20-40 रुपये बच जाता है। तो यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट है, मतलब ठीक है, बट काफ़ी सारे टिकट होते हैं जो आपको पूरा बुक करना पड़ने तत्काल उत्काल मिलता है, ये सब तो अलग चीज़ है। बट एयर सिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बना के डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, ये चैनल चेकआउट कर लीजिएगा, मज़ा आएगा देखने में। यहीं तक रखते हैं, कोई भी एंगल से वीडियो पसंद आता है या कोई भी डाउट आता है कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके साथ रिप्लाई करने के लिए। बाय बाय।